महिलाएं और बेटियां कहीं हैं तो उत्तर प्रदेश में, जहां राजधानी, क्या मुख्यमंत्री जो कानून व्यवस्था की बात करते हैं, क्या ये बताएंगे कि पुलिस की कांस्टेबल बिजनौर की रहने वाली कुछ दिनों से लापता थी, अब पीजीआई के नाले में उसकी लाश मिली है। क्या मुख्यमंत्री जी इस बात को बताएंगे कि पुलिस की कांस्टेबल महिला की मौत हुई, उसको किस तरीके से मारा गया, कितने दिन लापता रही, क्या ये बताएगी? और साथ ही साथ में मैंने प्रधानमंत्री जी का भाषण सुना था, ये कह रहे थे कि अगर बंगला बड़ा होगा, घर गाड़ी होगी, कोई अपहरण कर लेगा। आप बताइए, अपहरण हुआ आगरा से एक व्यापारी के बेटे का, दो दिन वो फरौती नहीं दे पाया, 25 लाख की मांग थी, क्या उनके बेटे की हत्या हो गई कि नहीं हत्या हो गई? मैं ये दो उदाहरण देता हूँ। क्या मुख्यमंत्री जी सो रहे थे जब हेड कांस्टेबल या कांस्टेबल लड़की को लापता होकर के लाश मिली है पीजीआई नाले में? क्या मुख्यमंत्री जी इस बात के लिए बताएंगे कि दोषी कौन है? क्या मुख्यमंत्री जी सजा दे पाएंगे जिसकी वजह से जान गई है? देखिए, मुख्यमंत्री जी तो निशाना साधेंगे ही। देखिए, अगर कोई आंख बंद कर ले उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? मुख्यमंत्री जी 5 साल रहे बाबा मुख्यमंत्री, आपने अपने मेडिकल कॉलेज को वो सुविधाएं क्यों नहीं दी, डॉक्टर और स्टाफ को जो सुविधाएं पीजीआई की हैं? जिम्मेदार कौन है? अगर आप अपने गोरखपुर को एक्सप्रेसवे नहीं जोड़ पाए, जिम्मेदार कौन है? और जो विकास हुआ है सफाई का, वो एक दिन का नहीं है, कितना लंबा समय हुआ, क्योंकि हमारे बाबा मुख्यमंत्री को कोई काम अच्छा करना नहीं है, अच्छा काम देखना नहीं है। और ताज्जुब तब होता है कि इनका बड़ा नेता हो, छोटा नेता हो, या कोई नेता हो, सब झूठ बोल रहे हैं। अरे अखिलेश जी, जो गुजरात वाला मामला है जिसमें दोषियों को सजा दी गई है, आजमगढ़ के रहने वाले हैं, भाजपा कह रही है समाजवादी पार्टी के नेता है जो गुजरात वाले मामले में दोषी करा। देखिए, समाजवादी पार्टी के नेता बता रहे हैं, कोई आतंकवादी हो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, और अगर आज और चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी का आरोप लगाना, भारतीय जनता पार्टी स्ट्रेटजी से चलती है, स्ट्रेटजी से चलती है, उन्हें पता है। मुझे ये बताइए, समाजवादी पार्टी जो आरोप लगाने वाले हैं वो झूठे हैं कि नहीं है? इटावा में आए थे बाबा मुख्यमंत्री, क्या उन्होंने झूठी तस्वीर लगाई कि नहीं लगाई? उत्तर प्रदेश में तमाम जगह पर जब विकास दिखाना था तो चीन की फोटो चोरी करके कौन लाया? जिस समय उन्हें कारखाना दिखाना था उस समय आपने अमेरिका का कारखाना दिखाया। भारतीय जनता पार्टी से झूठी कोई पार्टी नहीं है। अखिलेश यादव आक्रमण कर रहे हैं बीजेपी पर और सरकार पर, योगी सरकार पर झूठी पार्टी होने का आरोप लगा रहे हैं, और भी ताबड़तोड़ उन्होंने हमले किए हैं। वीरेश पांडे के पास चलेंगे, ब्यूरो चीफ हमारे वहीं पर हैं। बताइए वीरेश, क्या देख रहे हैं आप? क्या बोली, बता तो दिया आपसे। राजलक्ष्मी जी, लालू जी की बेटी, तेज प्रताप जी की पत्नी, आप बताइए, राजनीतिक परिवार है आप, 5 साल में योगी सरकार झूठ मांग रहे हैं? अरे बीजेपी की बीमारी का किसी को नहीं पता कि बीजेपी पे बीमारी क्या है। इस बार बीजेपी का सफाया होने जा रहा है, इस उत्तर प्रदेश का किसान माफ नहीं करेगा, भारतीय जनता पार्टी को साफ करेगा। पहले दो चरणों में शतक लग चुका है, और जिस तरीके से शतक लगा है, इस चरण में भी सबसे आगे समाजवादी पार्टी और गठबंधन होगा। अरे कल आपने वो नहीं सुना? आपने नहीं देखा और वीडियो जो अभी आए हैं, नौजवान नौकरी मांग रहे थे, फौज की नौकरी। अरे फौज की नौकरी कब दोगे? और जहाँ तक ये सवाल है, जहाँ तक पुलिस का सवाल है, आपको वो तस्वीर नहीं दिखा पाए जो तस्वीर दिखानी चाहिए थी, आखिरकार वो क्या हो रहा था सामने? अखिलेश जी, 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 अखिलेश जी,